कहते हैं कि जी हमारा संविधान खतरे में है, तो वो सीधा वो हाथ उठाकर कहते हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। मगर जी आप कहते हैं संविधान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो जा रहा है मामला, ये क्या है? देखिए वो बोल के राजी नहीं है सर, कोई भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं, देखिए कभी वही है, घोषणाएँ नहीं होंगी कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से लागू होगा, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान आप बहुत अच्छा बना दीजिए, लेकिन लागू करने वालों पर डिपेंड करेगा कि वो संविधान दरअसल क्या डिलीवर कर रहा है जी। तो संविधान डिलीवर क्या कर रहा है, संविधान क्या दे रहा है, ये संविधान लागू करने वालों पर डिपेंड करता है। संविधान जो अभी लागू करने का जिन पर जिम्मा है इस देश में, वो असल में जो पॉलिटिकल क्लास है वो बेईमानी कर रहा है, और उसी बेईमानी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप जो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ चीज़ों के ले जा रहे हैं। एससी एसटी एक्ट आपने बनाया 1989 में, संसद ने बनाया क्योंकि ज़रूरत थी, क्योंकि अत्याचार रुक नहीं रहे थे। अब कोर्ट के दो जज तय करते हैं कि इसकी धाराएं बदल दें, अंदर कोई संशोधन भी हुआ नहीं। 2015 में जो संशोधन हुआ था उसमें तो उस एक्ट को में कई नई चीज़ें जोड़ी गई थी, उसमें बहुत विरोध नहीं हुआ था और उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें कम से मेरे संज्ञान में नहीं है, नहीं है। लेकिन अभी दो जजों ने अचानक से तय कर लिया कि वो इसके तीन महत्वपूर्ण क्लॉज को चेंज कर देंगे, एंटीसिपेटरी बेल दे देंगे, गिरफ्तारी तत्काल नहीं होगी, केस दर्ज नहीं होगा, तब तो ये जनरल आईपीसी से भी कमज़ोर हो गया। इंडियन पिनल कोड में मुझे किसी ने पीटा, मैं जाके थाने में जाऊँ कि मुझे पीटा, केस दर्ज हो जाएगा, मैं कहूँगा कि एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करो, तो बोलेंगे नहीं पहले 7 दिन जाँच होगी। तो ये जो पूरा इन्होंने गड़बड़ी की है, इसके खिलाफ देश भर में गुस्सा है, और इसी गुस्से का आप देखेंगे कि अभिव्यक्ति इस रूप में हो रही है कि आरक्षण के खिलाफ इतना बड़ा एक हमला हो गया, एससी एसटी एक्ट के खिलाफ हमला हो गया, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, सरकारी कंपनियों का निजीकरण होकर वहाँ आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आपको ये जो पूरा ये जो यूनिवर्सिटी में टीचर्स के रिक्रूटमेंट में बदमाशियाँ हो रही हैं, एमफिल और पीएचडी में लोगों को लेने की जो पहले प्रक्रिया थी कि रिटेन का 70% वेटेज होता था और 30% वेटेज जो इंटरव्यू का होता था, तो शिक्षक की मर्जी से मनमानी नहीं चलती थी, अब इस समय 100% वेटेज कर दिया गया इंटरव्यू का, इंटरव्यू के बेसिस पर एडमिशन होंगे, तो शिक्षक चूंकि इस समय ज़्यादातर अपर कास्ट हैं तो वो भेदभाव कर रहे हैं, तो एक तरह से चौतरफा हमला है, इसलिए गुस्सा भी चौतरफा है। ये मंडल जी मेरा लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा कि जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो प्रिंट मीडिया है, ये बहुजन के लोगों को नहीं दिखाती है, आप यहाँ बहुत तादाद के नया बैठे, लेकिन इसका क्या कारण है कि एक मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए था, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे? भारत का जो मीडिया है वो उच्च वर्गीय और उच्च वर्णीय है, दोनों चीज़ें उसमें है, और बहुत ज़्यादा वो एक तरह से इस देश के पूरे रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो इस देश की वास्तविकता को वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और ये समस्यामूलक है क्योंकि इसकी वजह से देश के लोगों को, देश के शासकों को ये जानकारी भी नहीं मिल पाती है कि नीचे के लेवल पर लोग किस तरह से नाराज़ हैं। इसलिए आप देखेंगे कि 2 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन हो गया और मीडिया को उससे पहले कोई खबर ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ही इस समय देश का मीडिया है जो लोगों की आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचा रहा है, और SM News इस महत्वपूर्ण काम को कर रहा है, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर।